जिनको यौन संबंध में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे किशमिश के ऊपर। दोस्तों, किशमिश बनता कैसे है? जब अंगूर को धूप में रखा जाता है तो उसके बाद किशमिश में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तीन रंग होते हैं किशमिश के। कौन से? हरा, थोड़ा सा जो होता है गोल्डन ब्राउन, और एक होता है चॉकलेट या डार्क कलर का। अब आप लोग मुझे बताइए, इन तीनों में से सबसे अच्छी न्यूट्रिशन की मात्रा किसमें पाई जाती है? कुछ आया समझ में? नहीं आया, पता ही नहीं है। यही तो, क्योंकि आप जब जाते हो मार्केट में, आप बोलते हो भैया किशमिश दे दो, वो आपको पकड़ा देता है, पर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वाला लेके आना है, आपका फायदा सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो दोस्तों, जो हरा वाला होता है उसमें सबसे ज्यादा कम मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो गोल्डन कलर का होता है उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो चॉकलेट कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें ही पाए जाते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन हम कुछ भी खाते हैं, जो मन किया वो उठा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हो सके तो डार्क कलर का या फिर गोल्डन कलर का ही लेके आए। वात और कफ वाले लोग, उनको सूखा हुआ किशमिश खाना है। क्यों खाना है और वात और कफ के लोग क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो पित्त के लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनमें गर्मी बहुत होती है, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इरिटेट हो जाते हैं, गर्मियों वाली बीमारी होती है, उनको लेना होता है पानी में। कैसे लेना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों, इनमें फर्क क्या होता है? किशमिश गर्म होता है कब? जब उसको सूखा लिया जाए। और अगर पानी में डाल के, मतलब जैसे आप रात में पानी में डालते हो और सुबह उसका सेवन करते हो खाली पेट, तो वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? 10 से 15 किशमिश आप सुबह, शाम और दिन में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? गर्मी बढ़ सकती है, रैशेज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में लो तो, वरना किशमिश बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। वो लोग दोस्तों जिनको कब्ज की दिक्कत है, पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दिक्कत रहती है, या फिर लूज मोशंस आते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है पेट से रिलेटेड, वो लोग क्या कर सकते हैं? दूध में, गर्म दूध में किशमिश डाल के वो खा सकते हैं। अगर दूध नहीं पचता तो रात में किशमिश डाल के सुबह उठ के खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं। जो इंटेस्टाइन होता है दोस्तों हमारा, ये और जो साथ में गट बैक्टीरिया होता है, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसीलिए किशमिश रोज सुबह हर किसी को लेना चाहिए, चाहे उसका पेट खराब हो या सही हो। वो लोग दोस्तों जिनको लो बीपी रहता है और साथ ही में एंजाइटी का भी इश्यू रहता है, बहुत ही सिंपल है। जब भी उनको लगे कि एंजाइटी या लो बीपी होने ही वाला है या हो सकता है, उनको 4 से 5 दाने लेने हैं किशमिश के, और च्युइंगम की तरह बहुत ही स्लोली आराम से चबाना है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो और भी सिंपल चीज़ है, सुबह जब वो उठेंगे खाली पेट, रात में किशमिश भिगो के रखें और सुबह उसका सेवन करें। किशमिश आपके ब्लड ग्लूकोज को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, मैं पहली बार दोस्तों, तो इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज भी है वो भी किशमिश खा सकते हैं। लेकिन डायबिटीज के लोग कैसे खाएंगे? रात को पानी में रखा और सुबह खाली पेट उसका सेवन किया। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये आपके ब्लड शुगर को रेज नहीं करेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा, बल्कि ये आपके बॉडी को पोटेशियम देगा, और पोटेशियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। वो लोग जिनको यौन संबंध में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, इसके वजह से रिलेशनशिप में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों को क्या करना है? पुरुष और औरत क्या कर सकते हैं? दोनों ही रात को खाना खाने के बाद 1 या 1.5 घंटे बाद दूध के साथ किशमिश का सेवन करें। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 21% पोटेशियम होता है, और पोटेशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छी तरह से प्रमोट करता है, हार्मोनल बैलेंस को प्रमोट करता है। और जब यही पोटेशियम मैग्नीशियम और आयरन के साथ मिलता है तो बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए
वो लोग जिनको यौन संबंध की स्पेशली दिक्कत है, क्योंकि मैं इसीलिए इसका नाम बार बार ले रहा हूँ, मुझे पता है कई लोगों को बहुत शर्म आती है अपने बारे में बताने के लिए। बिल्कुल मत घबराइए, 21 दिन इसका सेवन करिए, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों, वो लोग जिनकी धातु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली किस तरह से बूस्ट किया जाता है किशमिश आपको सिखाएगा। आपको सिर्फ 21 दिन दूध के साथ इसका सेवन करना है। और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली किस तरह से बूस्ट किया जाता है, आई बटन में लिंक है, प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी भी कैंसर ना हो तो किशमिश का इस्तेमाल करें। नहीं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी रिसर्च कह रही है, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो इतना योगदान है मेडिकल फील्ड में रेजिंस का या फिर किशमिश का। अब क्यों ऐसा होता है दोस्तों, आप सबको पता है जब हमारी बॉडी में जठरग्नि कम हो जाती है तब बीमारियां पनपती हैं कैंसर जैसी, लेकिन यही रेजिंस हमारी जठरग्नि को बहुत मजबूत करता है। और क्योंकि इसमें 21% पोटेशियम होता है, फिर से कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड आपके खून में होगा उतनी ही अच्छी आपकी सेहत रहेगी। पिंपल है, डार्क सर्कल्स है, रिंकल्स है, आपका चेहरा ऐसा लगता है कि वक्त से पहले ही बुढ़ापा आ गया है, तो फिर क्या करें, किशमिश का बहुत योगदान है। क्यों है? क्योंकि किशमिश खून को साफ करता है। स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है दोस्तों हमारे शरीर में, स्प्लीन का काम क्या है, खून को फिल्टर करना, उसको ये हेल्प करता है। इतना ज़रूरी है रोज किशमिश खाना, 8 से 10 किशमिश रात को रख लीजिए, सुबह खाली पेट किशमिश का सेवन करिए। वो लोग जो एनेमिक है या आयरन की डिफिशियंसी है या फिर हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, कम है लेवल, वो क्या कर सकते हैं, रात में दूध को किशमिश के साथ सेवन करें खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद। और दोस्तों साथ में ये बता दूं, जो लोग एनेमिक है अगर वो सात्विक खाना खाना चालू करें तो एक्चुअली में आयरन जो डेफिसिट है वो आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ लोग खाते हैं इनमें वो दम नहीं है जो सात्विक डाइट में है। और अगर सात्विक डाइट के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको चेक करिए, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो लोग जिनको पैल्पिटेशन होती है या फिर हार्ट कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, किशमिश का उपयोग या तो दूध में या फिर भिगो के, जैसे मैंने आपको समझाया पहले। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। कभी कभार दोस्तों होता क्या है कि बुखार आ जाता है और उस बुखार से हमें डाइजेशन में दिक्कत होती है और हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी फील करते हैं। वो लोग अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बुखार को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, जब वो किशमिश खाएंगे। क्यों? क्योंकि किशमिश दोस्तों याद रखना 2 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करता है, रस और रक्त धातु। रस मतलब जो भी लिक्विड है आपके बॉडी में उसको ये बैलेंस करता है, रक्त तो आप समझ गए हो ब्लड। तो जब आपका ये ब्लड को और इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, तो आपकी जठरग्नि ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनना चालू हो जाती है। इसीलिए जब भी आपको बुखार आए किशमिश का सेवन जरूर करें। वात की बीमारियां यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आर्थराइटिस होता है हड्डियों के बीच में, या बैक में कई बार बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, मसल बहुत वीक हो जाती है, कफ के लोग, वो लोग जो मोटे होते हैं स्पेशली, मैं बता दूँ अक्सर ये पाया जाता है कि जिम में जब आप जाते हो तो हमें बोला जाता है कि नहीं नहीं भैया किशमिश नहीं खाना क्योंकि शुगर होता है। दोस्तों आप समझो, शुगर एक अलग चीज़ है और भगवान का दिया हुआ मीठा एक अलग चीज़ है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, भगवान के दिए हुए मीठे का सेवन करना है अगर मोटापा कम करना है या फिर मोटापे से होने वाली बीमारियों को कम करना है, और इंसान के बनाए हुए मीठे को रफा दफा करना है। पीरियड्स में क्रैम पड़ना, दर्द होना और एक्सेसिव ब्लड लॉस होना, दोस्तों याद रखना, जैसे कि मैंने बताया रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में अगर आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो ये गर्म से ठंडा हो जाता है, तो किशमिश का सेवन पानी में भिगो के अगले दिन ज़रूर करना। 10 से 15
किशमिश आपने ज़रूर लेने हैं अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मैं आपको मिलूँगा। इजाज़त दीजिए, जय मां भारती।